चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 15 ईयर्स। ठीक हुआ, किसी भी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज एज क्या है, 15 ईयर्स। एन 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास एंड न्यू स्टूडेंट वॉज एडमिटेड। हम यहाँ पे रुकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं और उनकी एवरेज एज 15 है। सबसे पहले लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल स्टूडेंट्स। सर ये कितने हैं? 40। एवरेज एज कितनी है सर? 15 ईयर्स, ऐसा। अच्छा, अब 40 बच्चों की एवरेज एज 40 है, 15 ईयर्स है, टोटल एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितनी होगी? टोटल एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स सर ये कितनी होगी? ये होगी 40 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 600 ईयर्स, 607। 40 बच्चों की जो एज है टोटल वो कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब देखिए वो कह रहा है एक 18 साल का बच्चा स्कूल छोड़ गया, ठीक हो गया। अब सारे बच्चों की टोटल एज इतनी है, उसमें से 18 साल का बच्चा छोड़ गया तो वो माइनस कर देते हैं। एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स कितनी होगी सर? 600। एक बच्चा चला गया ना, 40 टोटल थे, एक चला गया तो कितनी रह गई? 18। ये हो गया 582 ईयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वो कह रहा है एक बच्चा नया और आ गया, एक बच्चा एंड अ न्यू स्टूडेंट वाज एडमिटेड। ठीक है, अब यहां पे हम लिख लें, यहां पे आफ्टर एडमिशन न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट का आफ्टर एडमिशन न्यू स्टूडेंट, नया स्टूडेंट उसका एडमिशन हो गया, क्या हुआ? अब सिचुएशन बदल गई। अब वो कह रहा है एवरेज एज, सिचुएशन बदल गई ना, ये सारा सिचुएशन बच्चे के आने से पहले की है। एवरेज एज, अब एवरेज एज वो कह रहा है वो हो गई 14.885 ईयर्स। जी सर ऐसा हुआ, एवरेज एज 14.885 ईयर्स हो गई। फिर फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अब सर हमें पता है कि जो नया बच्चा आया उसके आने से पहले एवरेज एज और थी 15 ईयर्स, अब उसके आने से एज पे फर्क पड़ा है और 14.885 ईयर्स उसकी एज एवरेज होगी सारे बच्चों की, जो 40 के 40 हैं उन सब की एवरेज एज 14.885 ईयर्स हो गई है। अब इसको इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? 40 से, जिस तरह हमने ये किया टोटल एज, बिल्कुल वैसे ही टोटल एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितना हो गया सर? 40 मल्टीप्लाई बाय 14.885, ये आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 14.885 को तो ये हो जाएगा 595.4 ईयर्स। नया बच्चा आने के बाद एवरेज एज ये हो गई और 40 स्टूडेंट्स की टोटल एज इतनी आ गई। 39 बच्चों की उस बच्चे के आने से पहले एज इतनी थी टोटल, उस बच्चे के आने के बाद 40 बच्चों की एज इतनी हो गई। तो सर न्यू बच्चे की एज निकल आएगी आसानी से? जी सर निकल आएगी। एज ऑफ न्यू स्टूडेंट कैसे निकलेगी सर? आएगी 595.4 माइनस 582। कितना आया सर? ये आएगा सर 13.4 ईयर्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। ये हमारे पास उस बच्चे की जो न्यू स्टूडेंट था, न्यू एडमिशन था, उसकी एज आ गई।
आई होप ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया।